केमिस्ट्री क्लासेस फॉर 12। आज हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे, इस वीडियो में केमिकल काइनेटिक्स के लास्ट टॉपिक को। वो हमारा लास्ट टॉपिक है कि इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, या ऑन द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रिएक्शन। और सेकंड टॉपिक होगा हमारा कि कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट क्या काम करता है, कैटलिस्ट क्या होता है, अगर केमिकल रिएक्शन में उसको मिलाते हैं तो उसे क्या इफेक्ट पड़ता है, अगर नहीं मिलाते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है, और उसके थोड़ा सा मैकेनिज्म को देखेंगे कि क्या कर सकता है वो, और तब कोलिजन थ्योरी के बात करेंगे हम लास्ट में। तो देखिए, कैटलिस्ट के मामले में हम लोग देखते हैं कि कैटलिस्ट वैसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो किसी रिएक्शन में डायरेक्ट शेयरिंग नहीं करता है, कोई कंपाउंड फॉर्मेशन में डायरेक्ट शेयरिंग नहीं करता है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। बहुत सारे लोग उसको डिफाइन करते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर दे वो कैटलिस्ट है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि कैटलिस्ट को हम जब रेट चेंज करेगा तो दो बात होगी, या तो रेट डाउन होगा, डिक्रीज करेगा, नहीं तो इंक्रीज करेगा। तो रेट इंक्रीज करने वाले कंपाउंड के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्रॉपर वर्ड कैटलिस्ट, और रेट डिक्रीज करने वाले के लिए इनहिबिटर का यूज करते हैं। इनहिबिट करना मतलब रोक देना, कम कर देना। तो इनहिबिटर जो होता है वो हमारा रेट डाउन करता है, तो रेट डिक्रीजर के लिए हम लोग इनहिबिटर का यूज करते हैं। हम लोग यहाँ पर कैटलिस्ट का यूज कर रहे हैं। कैटलिस्ट वर्ड का मीनिंग यहाँ पर ये रखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। आप एक कॉमन एग्जांपल से कैटलिस्ट का फंक्शन समझ सकते हैं कि अगर आप अपने घर पर कोई काम करा रहे हैं, वहाँ पर किसी कॉन्ट्रैक्टर को दे दिए कि आप काम करा दीजिए, तो वहाँ पर देखते हैं आप खुद से डायरेक्ट आप लेबर लगाए हुए हैं, तो देखते हैं कि जब लेबर को ऐसे ही लगा करके छोड़ दिए काम करने के लिए, कोई देखने वाला नहीं है, तो लेबर अपने हिसाब से काम करेगा, कभी काम करेगा, कभी आराम करेगा, स्पीड वर्क का स्लो होगा। लेकिन अगर उसी काम में अगर कॉन्ट्रैक्टर के जिम्मे है, कॉन्ट्रैक्टर आ गया खड़ा है, या आप काम करा रहे हैं तो आप खुद वहाँ पर खड़े हैं, तो आपके खड़े होने से आप काम नहीं कर रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर आपका काम नहीं कर रहा है। लेकिन अगर वो प्रेजेंट है वहाँ पर, तो लेबर ज़्यादा मुस्तैदी के साथ काम करते हैं, ज़्यादा तत्परता के साथ करते हैं काम, और आपका वर्किंग रेट बढ़ जाता है, वर्क आउटपुट ज़्यादा मिलता है, जल्दी काम होता है, समय बचता है। तो सेम काम यहाँ पर कैटलिस्ट भी करता है। ये भी कोई रिएक्शन अगर हो रहा है तो वो अपने प्रॉपर वे में होगा, उसको ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन कैटलिस्ट जब हम उसमें मिला देते हैं थोड़ी मात्रा में, तो कैटलिस्ट मिला देने से रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर देता है, वही रिएक्शन तेज़ी से होने लगता है, फिजिकल कंडीशन का रिक्वायरमेंट रेस्पेक्टिवली डिक्रीज कर जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है कि ऑक्सीजन गैस के फॉर्मेशन का, जिससे पोटेशियम को लेते हैं KClO3, इसको अगर डायरेक्ट हीट करते हैं तो डायरेक्ट हीट करने से हमको KCl मिलेगा, पोटेशियम क्लोराइड, और ऑक्सीजन मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। यहाँ पर बैलेंस कर लीजिए, ये 3 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2, और यहाँ भी हो जाएगा 2, तो 2KCl हो गया, 3O2 हो गया। तो ये हीट करने पर रिएक्शन होगा, लेकिन इस रिएक्शन में ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा आपको। अगर आप चाहते हैं कि कम टेम्परेचर पर आसानी से गैस निकल जाए, तो इसमें हम MnO2 मिला देते हैं। ये कैटलिस्ट के रूप में काम करता है। आप इसको यहाँ भी प्लस का सिंबल देकर भी ब्रैकेट में लिख सकते हैं, और वो चीज़ सीधा यहाँ भी प्लस करके आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर MnO2 जो है, यही बेसिकली कैटलिस्ट का काम कर रहा है। तो ये डायरेक्ट शेयरिंग नहीं करता, इसमें कंपाउंड में नहीं मिला है, आपका काम वही हुआ है कि ये कंपाउंड KClO3 था, पहले भी टूट रहा था KClO2 में, कैटलिस्ट के यूज के बाद भी टूट रहा है, लेकिन ये रिएक्शन अगर इसको नहीं मिलाया जाए तो ज़्यादा टेम्परेचर पर होगा, और
टाइम ज़्यादा लगेगा, ये रिएक्शन अगर इसके प्रेजेंस में कराया जाए तो आपका कम टेम्परेचर पर हो जाता है और टाइम भी कम लगता है। तो जब हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट का और उसके पोटेंशियल एनर्जी का, तो थोड़ा सा यहाँ पर हम देखते हैं कि एक्चुअली करता क्या है कि अगर मान लीजिए कि कोई नॉर्मल रिएक्शन है, ये आपका है यहाँ पर, और यहाँ से ये कर्व आपको जैसे देखे थे रिएक्शन हो रहा है तो ये आपका मिल रहा है, तो ये कर्व है कि रिएक्शन पाथ विदाउट कैटलिस्ट। ये जब कोई कैटलिस्ट यूज नहीं किया गया तो यहाँ से यहाँ तक के वैल्यू को आप जानते हैं कि ये होता है एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी ये शुरू में था इनिशियल स्टेज, और ये फाइनल स्टेज में जब आपका इंटरमीडिएट सिचुएशन बना था, एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स बना था, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस था उसको आप जानते हैं कि ये बोलते हैं। तो इन दोनों के बीच का गैप जो था आपका ये एनर्जी गैप, तो विदाउट कैटलिस्ट ये था। अब जब हम उसी रिएक्शन में कैटलिस्ट मिला दिए तो अब क्या करता है कि इसका पाथ जो होता है शॉर्टन हो जाता है। तो ये जो ऊपर जा रहा था जितना लेवल पर, अब सेम कर्व उससे डाउन हो जाएगा। तो ये आपका जो रिएक्शन पाथ आप देख रहे हैं डॉटेड लाइन से इसको दिखा सकते हैं, ये डॉटेड लाइन वाला जो पाथ है उसी टाइप का पाथ है। लेकिन ये पाथ कब है, तो ये पाथ जब कैटलिस्ट मिलाया गया तब है। तो कैटलिस्ट मिलाया गया तो अब ये जो आपका एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी आया ये का वैल्यू, तो एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पर कम हो गया और जब नहीं मिलाया गया था तो ज़्यादा हो गया। तो इस तरीके से हम ग्राफ में क्या देख रहे हैं कि जब कैटलिस्ट का यूज किया जा रहा है तो उस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जा रही है। और एक्टिवेशन एनर्जी कम होने का मतलब क्या हुआ कि आप जब उसको कम टेम्परेचर देंगे तभी वो रिएक्शन शुरू हो जाएगा, और आपका रिएक्शन कम टेम्परेचर पर आसानी से प्रोडक्ट दे देता है। तो कैटलिस्ट का मेन फंक्शन यही होता है, यह किसी भी रिएक्शन के गिब्स एनर्जी को चेंज नहीं करता है। ठीक है, ये गिब्स एनर्जी को चेंज नहीं करेगा, उसके रेट कांस्टेंट को भी चेंज नहीं करता है। रेट कांस्टेंट को इसलिए चेंज नहीं करता कि वो फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों रिएक्शन का रेट बढ़ा देता है। तो दोनों रिएक्शन का रेट बढ़ाएगा तो रेट कांस्टेंट जिस रफ्तार से बढ़ा रिएक्टेंट का उसी हिसाब से प्रोडक्ट का बढ़ेगा, तो दोनों में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो रेट, लेकिन ये करता क्या है कि जो रिएक्शन हो रहा है उसके टाइमिंग को कम कर देता है, यानी रिएक्शन को फास्टर कर देता है। अब इसके बाद अगला टॉपिक पर आते हैं हम लोग, कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आप जानते हैं कि जैसे आर्हेनियस इक्वेशन पढ़े हैं तो उस आर्हेनियस इक्वेशन के अनुसार आप रिएक्शन के मैकेनिज्म को आसानी से देख सकते हैं, और आर्हेनियस इक्वेशन एक वाइड रेंज को कवर करता है। मैक्सिमम केस में वो लागू होता है, एक आधी एक्सेप्शन है, लेकिन उसको और इम्प्रूव करके लेविस और ट्रॉट द्वारा ये दिया गया एक दूसरा थ्योरी, उसको कहते हैं कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इस थ्योरी में उन लोगों ने कहा कि ये ज़्यादा अप्लीकेबल गैसियस मॉलिक्यूल्स को ध्यान में रख करके, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसियस पार्टिकल्स को ध्यान में रख करके डेवलप किया गया था, और ये थोड़ा सा आर्हेनियस इक्वेशन का ही ज़्यादा मॉडिफाइड रूप होता है। तो इसमें इन लोगों ने माना, लेविस और ट्रॉट ने, कि ये जो भी रिएक्शंस होते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हार्डर मॉलिक्यूल्स होते हैं, हार्ड स्फीयर्स के रूप में होते हैं या हार्ड स्फेरिकल शेप में होते हैं। और जब कोई भी रिएक्शन होता है तो उसमें वो हार्ड मॉलिक्यूल्स, हार्ड स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, आपस में टकराते हैं, और जब टकराते हैं तो उसी से रिएक्शन होता है। तो अब उस टकराहट में क्या होता है कि एक टर्म को आपको डिफाइन करना होगा यहाँ पर, जिसको हम लोग कहते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। जैसे कि आप आर्हेनियस इक्वेशन में देखे थे कि के इक्वल टू हो रहा था ए इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी, यहाँ पर ये आपका फ्रीक्वेंसी फैक्टर था। तो अब ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मोलिक्यूल्स आर कंसिडर्ड टू बी हार्ड स्फीयर्स एंड रिएक्शन इज पोस्टुलेटेड टू ऑकर व्हेन दे कोलाइड विथ ईच अदर। ओके,
अब व्हाट इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी, चूँकि ईस्टर्न में जब हम अरहेनियस इक्वेशन को इम्प्रूव करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे, तो उसमें हमको ए के जगह पर जो एक दूसरा फैक्टर यूज करना पड़ता है, उस फैक्टर को हम लोग बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी विद रेस्पेक्ट टू कोलिजन थ्योरी। ओके, तो कोलिजन थ्योरी होता क्या है, उसको हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये है कि पर यूनिट टाइम, तो पर यूनिट टाइम मतलब पर सेकेंड, और पर यूनिट वॉल्यूम में टोटल नंबर ऑफ कोलिजन को ही हम लोग कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी का सिंपल भी मीनिंग आप जानते हैं कि पर यूनिट में, जैसे ओसिलेशन में वेव में पढ़े थे कि पर यूनिट टाइम में जो वाइब्रेशन होता है, ओसिलेशन होता है, उसको आप फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, तो पर यूनिट टाइम में जितना कोलिजन होगा उसको बोलेंगे, लेकिन उस सब्सटेंस का अमाउंट भी लिमिट कर दिया गया कि वो वहाँ पर केमिकल्स यूज कर रहे हैं तो केमिकल्स कितने होने चाहिए, तो वो यूनिट वॉल्यूम में भी होना चाहिए। तो उसको हम डिफाइन करते हैं कि द नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी डिनोटेड बाई कैपिटल जेड। अब रिएक्शन के लिए दूसरा फैक्टर, जैसे आप इस रिएक्शन में देख रहे थे कि यहाँ पर दो चीज़ों पर मेनली डिपेंड करता था, एक ये था, ये आपका फ्रीक्वेंसी फैक्टर था, और e टू द पावर माइनस ea बाई rt, ये क्या था, फ्रैक्शन मोलिक्यूल्स। तो वही चीज़ यहाँ भी है कि अनदर फैक्टर अफेक्टिंग द रेट इज एक्टिवेशन इनर्जी ea, क्योंकि ये जो आपका फैक्टर था तो इसमें e का वैल्यू कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, t भी कांस्टेंट है, जब गिवन कंडीशन दे दिए हैं तो t वहाँ पर उस कंडीशन के लिए कांस्टेंट ही है। तो अब क्या बच गया इसमें, वेरिएबल ea बचा, तो ea पर डिपेंड करेगा। तो उस तरीके से ये रिएक्शन का रेट जो है मेनली आपको डिपेंड कर रहा है a पर और ea पर। तो उसी तरीके से जब कोलिजन थ्योरी में बात करेंगे, कोलिजन थ्योरी के रेफरेंस में उस इक्वेशन को देखेंगे, तो वहाँ पर ए के जगह पर हमने दूसरा टर्म यूज किया जेड, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो कोलिजन थ्योरी के अनुसार जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा, तो वो करेगा जेड पर और इस ईए पर। तो हम लोग अरहेनियस इक्वेशन में ए को रिप्लेस कर देते हैं जेड से और बाकी टर्म वैसे ही रह जाते हैं। तो अगर मान लीजिए कि कोई बाई मोलिकुलर एलिमेंट्री रिएक्शन है जिसमें दो मोलिकुल मिलकर कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, आप देख रहे हैं कि ए प्लस बी और कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, यही आपका रिएक्शन हो गया बाई मोलिकुलर रिएक्शन। तो इसमें क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका हो जाएगा जेड, ए के जगह पर जेड लिख दिए, और जेड किसके किसके बीच में, तो आपके रिएक्टेंट में ए है और बी है, तो जेड ए बी लिख देते हैं, यानी जेड ए बी की कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंटू e टू द पावर माइनस ए बाई आर टी। तो हमने क्या किया, ए के जगह पर जेड ए बी को रिप्लेस किया है, तो वहाँ पर लिख सकते हैं कि वेयर जेड ए बी इज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिएक्टेंट्स ए एंड बी एंड e टू द पावर माइनस ए बाई आर टी क्या है, तो द फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स विथ इनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन ea, क्योंकि ea से कम इनर्जी पर तो आपका कोई रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा, प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा, प्रोडक्ट जब भी बनेगा तो ea से ज़्यादा होता है और मिनिमम उसका लेवल ea तक हो सकता है, क्योंकि उससे कम अगर इनर्जी लेकर के टकराएंगे तो फिर आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होता है। तो इस तरीके से अब मॉडिफाइड फॉर्म में कोलिजन के लिए आपका क्या हो गया कि जे रेट जो होगा या के भी आप बोल सकते हैं, तो जेड ए बी इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। तो ये मूल रूप से किस किस पर डिपेंड किया, यहाँ जेड पर डिपेंड कर रहा है और ये ई ए पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि बाकी ये और ये तो आपके कॉन्स्टेंट हो जा रहे हैं। तो इस तरीके से ये काइनेटिक थ्योरी का कोलिजन थ्योरी का एक्सप्रेशन हुआ। अब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि इसमें क्या होता है। तो देखिए, ये कोलिजन थ्योरी है, जब ये कह दिया कि कोलाइड करता है, तो कोलिजन में भी ऐसा नहीं है कि कहीं कोलाइड कर दिया, किसी भी ओरिएंटेशन में कोलाइड कर दिया, किसी भी तरीके से कोई मोलिक्यूल आया और एक दूसरे के साथ कोलाइड कर गए तो वैसे रिएक्शन में आपका प्रोडक्ट बन जाए, ऐसा नहीं होता है।
उस कोलिजन के द्वारा प्रोडक्ट बनने के लिए जरूरी है कि आपकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो एक्टिवेशन एनर्जी आपके ईए का वैल्यू जो उस रिएक्शन के लिए है तो ईए से ग्रेटर देन होना चाहिए और इक्वल टू होना चाहिए, लेस देन पर आपका नहीं बन पाएगा, ईए पर भी मिनिमम बनेगा, ईए से ज़्यादा होगा तभी इफेक्टिव रूप से आपका प्रोडक्ट बनेगा। दूसरी बात है कि उसका प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, जो आपस में कोलाइड करेंगे मोलिक्यूल्स रिएक्टेंट के टू फॉर्म द प्रोडक्ट, तो उनका एक विशेष फेस के साथ या विशेष पैटर्न में या विशेष ओरिएंटेशन के अनुसार आपस में कोलाइड करना चाहिए। अब आइए हम लोग एक एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं कि ओरिएंटेशन का क्या इम्पोर्टेंस होता है। अब देखिए इसमें एग्जांपल देखने के पहले दो टर्म को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। एक टर्म है हमारा थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी जो होता है वो सफिशियंट कोलिजन के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी होता है, जिस एनर्जी से कोलिजन के फलस्वरूप हमको प्रोडक्ट मिलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि द एनर्जी सफिशियंट फॉर कोलिजन्स टू गिव प्रोडक्ट्स, जितना एनर्जी जरूरी है मॉलिक्यूल्स के लिए कि वो कोलाइड करके प्रोडक्ट बनाए कोलिजन थ्योरी के अनुसार, उसी को हम लोग उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। और ये एनर्जी न्यूमेरिकली किसके बराबर होता है, तो न्यूमेरिकली एक्टिवेशन एनर्जी, जब रेस्टिंग फेज में थे और इंटरमीडिएट बनाने के बीच में जो एनर्जी ईए का वैल्यू आता था उतना, अब प्लस जब रेस्टिंग फेज में होंगे तो उनके अंदर भी कुछ पोसेस्ड एनर्जी है, तो एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एनर्जी पोसेस्ड बाई रिएक्टिंग स्पीसीज बिफोर फॉर्मिंग इंटरमीडिएट और इन द रेस्टिंग फेज, तो रेस्टिंग फेज की जितनी एनर्जी पोसेस्ड है और प्लस में जो एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है, दोनों को सम करेंगे तो आपकी वो थ्रेशोल्ड एनर्जी आएगी, और उतना एनर्जी या उससे ज़्यादा एनर्जी आप देंगे तो प्रोडक्ट अच्छे से बनेगा, अगर उससे कम एनर्जी रहती है तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि कोलिजन्स जो होंगे वो लाइटर होंगे। दूसरा टर्म आता है कि इफेक्टिव कोलिजन्स, तो इफेक्टिव कोलिजन्स बेसिकली वैसे कोलिजन्स होते हैं जिसमें कोलिजन के कारण आपको प्रोडक्ट मिलता है, प्रोडक्ट बनता है। अगर कोलिजन हो रहे हैं लेकिन प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स नहीं बन रहे हैं, तो उसको हम लोग इफेक्टिव कोलिजन्स नहीं कहेंगे, नॉन इफेक्टिव कोलिजन्स बोलेंगे। और इफेक्टिव कोलिजन्स हो गए यानी कोलिजन हो रहे हैं और उनसे आपको इफेक्ट, तो रिएक्शन का इफेक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट आपको बन रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि इफेक्टिव कोलिजन्स द कोलिजन्स इन विच मॉलिक्यूल्स कोलाइड विथ ईच अदर, कोलाइड विथ सफिशियंट काइनेटिक एनर्जी, और इसी सफिशियंट काइनेटिक एनर्जी ये कौन सी एनर्जी हुई, तो यही एनर्जी आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी थी, तो इतनी एनर्जी के साथ कोलाइड करें एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन टू, अ प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होना चाहिए किस लिए, तो टू ब्रेक बॉन्ड्स बिटवीन रिएक्टिंग स्पीसीज, जो रिएक्टिंग स्पीसीज हैं उनके बीच में जो बॉन्ड बने हुए हैं उनको तोड़ना पड़ेगा। कहीं भी आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, रिएक्टेंट के बीच में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ बॉन्ड्स होते हैं, आपको वो बॉन्ड तोड़ना पड़ता है और न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो आपका प्रोडक्ट बनता है। प्रोडक्ट्स आर द रिजल्ट्स ऑफ न्यू बॉन्ड फॉर्मेशंस बिटवीन कंस्टिट्यूएंट एटम्स, तो अब यहाँ पर बॉन्ड को, रिएक्टिंग स्पीसीज के बॉन्ड को तोड़ना है एंड टू फॉर्म प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड इफेक्टिव कोलिजन्स। तो अब जब इफेक्टिव कोलिजन होगा, कोलिजन थ्योरी के अनुसार यही मेन उसका रिजल्ट है कि अगर इफेक्टिव कोलिजन होगा तो इफेक्टिव कोलिजन कब होगा, तो इफेक्टिव कोलिजन के लिए आपको सफिशियंट एनर्जी होना चाहिए और प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। तो सफिशियंट एनर्जी के टर्म में, इसके पहले हम लोग जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी के टर्म में तो आपने डिफाइन कर दिया था कि रेट जो होता है वो जेड ए बी इंटू ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी के बराबर होता है, लेकिन अब वहाँ पर एक और टर्म उसमें इंट्रोड्यूस हुआ है कि प्रॉपर ओरिएंटेशन,
तो ओरिएंटेशन के लिए भी न्यूमेरिकली एक वैल्यू को लेते हैं हम लोग, और उस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं, ये पी से डिनोट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हो, अब जैसे एक एग्जांपल हम ले रहे हैं यहाँ पर कि CH3Br, तो CH3Br क्या हो गया, मिथाइल ब्रोमाइड, और इसमें OH ग्रुप आकर के जुड़ रहा है मिथाइल ऑक्सीजन, तो ये ब्रोमोइथेन भी इसको, ब्रोमोमीथेन भी इसको बोल सकते हैं, मिथाइल ब्रोमाइड बोलिए या ब्रोमोमीथेन बोलिए, तो ब्रोमोमीथेन के साथ, और जब OH ग्रुप का रिएक्शन हो रहा है, हाइड्रोक्सिल मूलक का रिएक्शन जब हो रहा है रेडिकल का, तो उसमें देखिए जनरली तो हम लोग लिख देते हैं कि इसमें क्या बनेगा भाई, तो मिथेनॉल बनेगा यहाँ पर, CH3OH बनेगा और Br आपका अलग हो जाएगा। तो रिएक्शन में तो जनरली हम लोग इसको इधर शिफ्ट कर दिए, इसको इधर शिफ्ट कर दिए, हो गया इक्वेशन के अनुसार, लेकिन मैकेनिज्म में जब देखते हैं तो इसमें क्या होता है कि दो पॉसिबिलिटी बनती है, ये तो आपका हो गया ब्रोमो मिथेन, तो CH3 है और Br है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है और Br पर डेल्टा निगेटिव चार्ज होता है, यानी ब्रोमो मिथेन का जो मोलिक्यूल होता है आपका पोलर को वैलेंट बॉन्ड वाला होता है, पोलर को वैलेंट कंपाउंड होता है। अब इसमें OH आ रहा है, तो OH को हमको मिलाना है, तो यहाँ पर दो सिचुएशन बनता है। एक सिचुएशन क्या हो सकता है कि जब इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन हो, और दूसरा सिचुएशन हो सकता है कि जब प्रॉपर ओरिएंटेशन हो। तो इम्प्रॉपर कब होगा, तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिखे हुए हैं कि ये CHHH3 है और इधर Br है, यहाँ पर डेल्टा प्लस चार्ज है और यहाँ पर आपका डेल्टा, ये इसको हटाते हैं, यहाँ पर डेल्टा निगेटिव चार्ज है और यहाँ पर आपका OH है, तो बेसिकली यहाँ पर तो डेल्टा प्लस चार्ज था, यहाँ पर डेल्टा माइनस चार्ज था, OH आकर के जुड़ा, तो हो क्या रहा है यहाँ पर कि निगेटिव पॉइंट, चूँकि ये पोलर कंपाउंड है, पोलर कंपाउंड में Br वाला साइड जो है वो निगेटिव है और ये C वाला साइड जो है वो थोड़ा पॉजिटिव है, स्मॉल पॉजिटिव डेल्टा निगेटिव। अगर OH माइनस वाला, OH चूँकि माइनस है तो निगेटिव है ऊपर, तो अगर ये आकर के Br साइड से कोलाइड करेगा, यहाँ पर टकरा रहा है ये मोलिक्यूल हुआ, तो अगर ये निगेटिव वाला पार्ट यहाँ आकर के टकराएगा, तो यहाँ भी निगेटिव के बीच में रिपल्सिव फोर्स काम करेगा और ये पार्टिकल जो आएगा OH निगेटिव वाला, तो OH निगेटिव वाला पार्टिकल यहाँ पर टकरा करके यहीं नहीं रहेगा बल्कि वो रिपेल कर जाएगा, बाहर हो जाएगा, तो कोलाइड किया लेकिन कोलाइड करके वो अटैक नहीं होगा, एक दूसरे से कंबाइन नहीं करेगा, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनाएगा, बल्कि सीधे कोलाइड करके वो आपका बाहर हो गया, तो उस कंडीशन में आपका कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, यानी नो प्रोडक्ट हुआ। अब दूसरा होता है कि जब प्रॉपर ओरिएंटेशन में हुआ है, यही जो OH है Br साइड में नहीं कोलाइड किया बल्कि ये आकर के इस साइड में कोलाइड किया, तो यहाँ पर तो हाइड्रोजन है, इसके रिस्पेक्ट में ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रोनिगेटिव है और यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के साथ निगेटिव का अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, तो यहाँ से क्या होगा कि आपका हाइड्रोजन मोलिक्यूल इधर शिफ्ट कर जाएगा और ये आकर के OH यहाँ पर जुट जाएगा, तो आपका इंटरमीडिएट क्या बना, तो देखिए कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, OH पर यहाँ डेल्टा माइनस हो गया और यहाँ पर भी डेल्टा माइनस था ही Br पर, और HHH तीनों बन गए। अब इसके बाद ये इंटरमीडिएट हो गया आपका, ये आपका इंटरमीडिएट सिचुएशन बना, और इस इंटरमीडिएट सिचुएशन के बाद क्या है, यहाँ से Br रिमूव कर जाएगा और OH आकर के जुट जाएगा, तो आपका बन जाता है CH3 इधर हो गया और OH आकर के जुट गया, यानी CH3OH मिथेनॉल आपका बन गया और ब्रोमीन आपका अलग हो गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि सेम कंडीशन था, दोनों रिएक्टेंट स्पीसीज सेम थे, लेकिन अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन में सही फेस में कोलाइड किए तो आपका प्रोडक्ट बना, गलत फेस में किए वहाँ पर प्रोडक्ट नहीं बना। तो अगर इस कोलिजन में हम देखते हैं कि पी इज द प्रोबेबिलिटी और स्टेरिक फैक्टर फॉर प्रॉपर ओरिएंटेशन, अभी जो ओरिएंटेशन का है तो कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग लेते हैं, उसका डिफाइन किया गया है, उसको हम लोग पी बोलते हैं, पी मीन्स प्रोबेबिलिटी और स्टेरिक फैक्टर प्रॉपर ओरिएंटेशन के लिए, तब हम उसी रिएक्शन को जो आरएनएस का मॉडिफाइड रिएक्शन था, इक्वेशन था, तो उस इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं कि रेट इक्वल्स टू पी इंटू जेड ए बी
माइनस ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। तो इस तरीके से ये जो इक्वेशन मिला ये आपका कंप्लीट इक्वेशन हुआ, जो आपको प्रॉपर ओरिएंटेशन से भी रिलेटेड है और डायरेक्ट ई ए से भी रिलेटेड है। तो यानी कोलिजन थ्योरी के अनुसार फाइनली हम लोग कंक्लूड ये करते हैं कि जो रिएक्शंस होते हैं तो वो स्फेरिकल मोलिक्यूल्स के जो हार्डर होते हैं उनके आपस में सफिशियंट इनर्जी और प्रॉपर ओरिएंटेशन में एक दूसरे के साथ कोलाइड करने के फलस्वरूप ही बनते हैं, उन्हीं के रिजल्ट के रूप में प्रोडक्ट आपको बनते हैं, अदरवाइज प्रोडक्ट आपका नहीं बनेगा। इसके साथ हम लोग ये चैप्टर, इस चैप्टर का केमिकल काइनेटिक्स का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर किए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके कुछ इनटेक्स्ट क्वेश्चंस हैं और कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे, उन पर डिस्कशन करेंगे। तब तक आप कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बनाने के पहले वीडियो को रिप्ले करके अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए टॉपिक को, जहाँ दिक्कत हो उसको एक दो बार और रिप्ले करके देख लीजिए, बुक से कंसल्ट कर लीजिए ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं सॉल्यूशन के साथ इनटेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन के, और तब तक आप चैनल से जुड़िए, चैनल पर बन रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ।